नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से फैमिली स्टडीज़ में कुछ टॉपिक और भी रह गए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम के पर्पस से, ये आपके लगभग करंट से संबंधित हैं आपका। ये तो देखते हैं, पहला इसमें आपका था ह्यूमन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, वुमेन राइट्स, ये सब जो सारी चीज़ें हैं इसमें आपको डिक्लेयर करूँगी। इसमें आपका है ह्यूमन राइट्स। देखिए, ह्यूमन राइट्स क्या है, एक ऐसा अधिकार होता है जो इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग, जो सभी को दिया जाता है, मिला है, रिगार्डलेस ऑफ रेस से संबंधित, सेक्स से संबंधित, नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीय से संबंधित, लैंग्वेज भाषा संबंधी, रिलीजन धर्म संबंधी, और किसी भी एनी अदर स्टेटस ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी जितनी भी मतलब महिला ह्यूमन राइट्स हैं कि जो स्टेटस हैं जिसमें आपका रेस, सेक्स, नेशनल, लैंग्वेज, रिलीजन से मतलब कि संबंधित जो अधिकार दिए गए हैं वो सबको दिए गए हैं, इसी को ह्यूमन राइट्स कहते हैं। और ये ह्यूमन राइट्स जो दिए गए हैं इसमें आए राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता से अधिकार मतलब स्वतंत्र होकर के जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, कार्य करने का और शिक्षा पाने का अधिकार, ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन यानी अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का अधिकार, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर, यानी टॉर्चर से रोकने के लिए कह सकते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। और इसके साथ साथ ये कुछ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स से संबंधित हैं। क्या क्या हैं इसमें आपका इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स, यानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, और सिविल एंड पॉलिटिकल यानी सभ्यता और सिविल एंड पॉलिटिक्स का मतलब जो राजनीति संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं ये हैं। तीसरा आपका ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यानी ये तीनों चीज़ें हमारी इंटरनेशनल राइट्स के रूप में हैं, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसमें आपका इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ह्यूमन राइट्स एंड काउंसिल। नेक्स्ट है आपका, और इसमें की और छूट गया आपका, जो ह्यूमन राइट्स डे है आपका यूएन की तरफ सबसे पहले 10 दिसंबर 1948 को मनाया गया था। तभी से ही प्रत्येक साल 10 दिसंबर को ही मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन है, जीके का भी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है चिल्ड्रन राइट्स, इसमें जी के बाद आपका एच रहेगा। चिल्ड्रन राइट्स में आपका चिल्ड्रन राइट्स क्या होता है, एक ह्यूमन राइट्स होता है जो बच्चों के लिए क्या होता है, पर्टिकुलर अटेंशन टू राइट विथ स्पेशल प्रोटेक्शन। देखिए, इस समय बच्चों पर जो केयर होता है माँ बाप के द्वारा या वैसे भी समाज के द्वारा जो होता है बहुत ही कम केयर किया जाता है, जिससे लिए ये चिल्ड्रन राइट्स भी दिया गया है, जिससे बच्चों के जीवन का, बच्चों की सिक्योरिटी का और बच्चों के लव अफेक्शन उनको मिले पेरेंट्स के द्वारा, ये एक अधिकार के रूप में दे दिया गया है, इसी को हम चिल्ड्रन राइट्स कहते हैं। अब देखिए, चिल्ड्रन राइट्स क्या होता है, ये एक ह्यूमन राइट्स की तरह होता है जो बच्चों को दिया गया है, जिसमें पर्टिकुलर अटेंशन यानी मतलब एक निश्चित तरीके से ध्यान दिया जाता है विथ स्पेशल प्रोटेक्शन, एक स्पेशल सुरक्षा के रूप में, जैसे आपका है राइट टू लाइफ एंड जीवन जीने का अधिकार, सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों की सुरक्षा का अधिकार, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर यानी उनको टॉर्चर से रोका जाए, जो उनको बच्चों पर टॉर्चर किया जाता है बाहर भी और परिवार में भी, लव अफेक्शन फ्रॉम पेरेंट्स यानी पेरेंट्स के द्वारा प्यार और लव मतलब कि अफेक्शन और प्रेम मिले। तो ये हैं चिल्ड्रन राइट्स। नेक्स्ट आपका आता है वुमेन राइट्स। वुमेन राइट्स में क्या होता है, एक फंडामेंटल भी एक ह्यूमन राइट्स दिया गया है इसमें, जिसमें राइट टू लीव यानी जिससे वो जी सके फ्री फ्रॉम वायलेंस, इस तरह से जी सके, वायलेंस मतलब हिंसा से, स्लेवरी मतलब स्वतंत्रता से मतलब कि उनको, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है विभेद यानी उसके मतलब कि जो स्त्री और पुरुष में जो अंतर हो जाता है उससे भी, यानी इन सब चीज़ों से दूर हो करके उनको जीवन जीने का अधिकार दिया जाए, टू एजुकेट उनको पूर्ण शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ओन प्रॉपर्टी उनको अपना अधिकार प्रॉपर्टी पर, धन पर, टू वोट और वोट देने का भी अधिकार। तो ये सारी चीज़ें वुमेन राइट्स में आती हैं, और एक इसमें कई सारी योजनाएं भी जो मैंने बताया है इसमें भी आपकी योजनाएं भी आएंगी, इसमें देख लीजिएगा। और सीडा, देखिए सीडा एक वुमेन्स राइट से संबंधित है, इसमें है फुल फॉर्म इसका है कन्वेंशन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। देखिए, यानी महिलाओं को डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट मतलब विरुद्ध जो है उनको एक बनाया गया है, एक कन्वेंशन किया गया है जिससे उनको जो डिस्क्रिमिनेशन, जो विभेद हो वो दूर किया जा सके। ये कब किया गया था, 1979 में। और एक प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना,
इसमें क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, इसमें है आपका, इसमें जो मैटरनिटी बेनिफिट यानी जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, उनके लिए प्रोग्राम चलाया गया जो सभी डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया है, जिससे उनको पूरी तरीके से सुविधा मिल जाए, और इसी को बोलते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। नेक्स्ट आते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन। देखिए स्टेटस ऑफ वुमेन में मतलब इसमें महिलाओं की क्या स्थिति है शिक्षा में, और उसकी सेक्स रेशियो क्या है, मैटरनिटी रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, जन्म दर मृत दर, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। बहुत मैंने शॉर्ट में लिया है, इसमें भी और भी आप डिटेल देख लीजिएगा। इसमें सेक्स रेशियो में जो 2001 की जनगणना के अनुसार था 1,933 से 1,934 ही लड़कियाँ हैं, और वुमेन पार्लियामेंट में इनकी संख्या 14.5 है, और वुमेन इन लेबर फोर्स, और लेबर फोर्स में जहाँ पे मेन जो है 78.8% है, वहाँ पर महिलाओं को लेबर फोर्स में 27.2% है। नेक्स्ट आपका है पॉजिटिव पेरेंटिंग। पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब होता है कि फोकस ऑन डेवलपिंग स्ट्रांग डीपली कमिटेड रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। देखिए यदि मतलब कि पॉजिटिव का मतलब एक सकारात्मक सोच होना चाहिए एक बच्चे और एक पेरेंट्स में, तो इसके लिए एक पॉजिटिव पेरेंटिंग मतलब होता है कि एक सकारात्मक सोच हो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में होना चाहिए, जिससे अपना एक तरीके से सही तरीके से कम्युनिकेट हो सके, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो सके, तो इसी को पॉजिटिव पेरेंटिंग कहते हैं। और इसमें बच्चे के हैप्पीनेस के लिए, हेल्थ के लिए और सक्सेस के लिए यानी उसकी खुशी स्वास्थ्य और सफलता के लिए इन सब चीज़ों का होना जरूरी है, इन सब चीज़ों पर मैनेजमेंट होना चाहिए, लव एंड अफेक्शन हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, इससे वो स्ट्रेस तनावपूर्ण ना हो पाए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दी जाए उनको, बिहेवियर मैनेजमेंट हो, तो ये सारी चीज़ों के द्वारा बच्चे के हैप्पीनेस हेल्थ और सक्सेस को पाया जा सकता है। पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब बच्चे और माँ बाप के में सकारात्मक सोच होना ही पॉजिटिव पेरेंटिंग कहलाता है। लास्ट है आपका कम्युनिटी एजुकेशन। कम्युनिटी एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि ये इसको कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन कहते हैं, जिसमें सीखना और उसका विकास करना है किसी मतलब कि एक संगठन में रह करके सीखा जाए और उसका विकास किया जाए एक प्रोग्राम के द्वारा। और इसके साथ साथ क्या होता है कि समाज में कम्युनिटी में प्रमोट किया जाए लर्निंग या सोशल डेवलपमेंट वर्क यानी सामाजिक विकास के कार्यों से संबंधित कार्य किया जाए, और वहाँ पर रह करके सीख करके और उस समाज को प्रमोट किया जाने का एक उद्देश्य होना चाहिए, इसलिए कम्युनिटी एजुकेशन होना आवश्यक होता है, और वो केवल इंडिविजुअल ही नहीं बल्कि एक ग्रुप में होकर के काम को किया जाए। तो ये है हमारा फैमिली स्टडी से संबंधित टॉपिक, अब लगभग आपका ये कवर है, फिर नेक्स्ट में और जो आपके बचे हुए हैं वो भी मैं कवर करूँगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट में लिख के बताइएगा। धन्यवाद।